हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं टीवीएस 3.0 प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर। फिरोज खान आए हुए हैं, इसमें फिरोज खान का एपिसोड देखेंगे। इनका एपिसोड बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हम बकवास कर नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्टिंग नाउ। फिरोज खान, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपने आगे जाके कहीं नहीं बताया, आप आज टीवीएस 3 प्रेजेंटेड बाय नाशपाती प्राइम पे बैठे हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, अगवा बराए तवान, इन चीजों में मुलव्वस रहे। हमने उनको आज टीबीएच 3 में बुलाया है ताकि पूछ सकेंगे इस धंधे में कमाई कितनी है। आपकी भरपूर तालियों में फिरोज खान। हाय फिरोज, हैव अ सीट। हम पहले ना जो गेस्ट आते हैं उसको गूगल पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि टॉप 4 गूगल सर्च में प्रेडिक्टेबल वो क्या आ रहे हैं। एफ ई आर ओ जे ई जे ई मेरा अपना है, मैं जरा बाइलिंगुअल। ये जो प्रेडिक्टेबल टेक्स्ट आ रहे हैं, फिरोज खान लिखा है सिर्फ, फिरोज खान हाइट, लोग आपकी लंबाई जानना चाहते हैं। फिरोज खान, फिर किसी ने लिखा है फिरोज खान हाइट इन फीट। तो मिलीमीटर से स्टार्ट होता है बात, आगे बढ़ती 5'11" फिरोज खान एज भी पूछा है किसी ने, 30 छह साल छोटे फिरोज लगता भी हूँ। सरप्राइज इस तरह हुए कि आपको लगा कि मैं आपसे 6 साल छोटा हूँ। मुझे नहीं लगा, नहीं लगा। आगे फिरोज खान ड्रामा, फिरोज खान सिस्टर्स, फिरोज खान सन, ये जनरल सवाल है। कोई हॉट पिक्स का नहीं है, वरना यूजुअली गूगल करो तो फिरोज खान हॉट पिक्स वगैरह जरूर लिखा आता है। फिर इसी से स्टार्ट करेंगे कि शेख साहब कौन है और आज शो में आने से पहले उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए। उन्होंने आज शो पे आने से पहले कुछ नहीं कहा, बट ओवरऑल मुझे उनकी कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादातर उनकी बातें, उनकी नसीहत याद रखूँ। अच्छा, पहले उन्होंने ही मना किया टीवी पे काम नहीं करना या आपने खुद डिसाइड कर? नहीं, उन्होंने मुझे कभी भी मना, कभी भी नहीं मना। आपने कहा मैं नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लगा ये? बस खुद ही एक दिन आई वोक अप और मैंने ये देखा, वो व्हाट्स दिस वुमन्स नेम, खलील रहमान साहब ने जिनको मारवी सरमत, तो उनका स्टेटमेंट आया और वो इतना एक वियर्ड स्टेटमेंट था उस दिन और मेरे लिए वो पढ़ना है ना, आई वाज थिंकिंग इफ आई हैव टू पिक अ साइड कि मैं किधर खड़ा होना चाहता हूँ, तो आई वाज लाइक आई वुड रादर लीव द इंडस्ट्री। सो देन लेटर आई रियलाइज्ड कि मुझे जब समझाया मेरे बड़े बुजुर्गों ने कि जी देखें आपको उधर होते हुए और जो आपको समझ आता है वो आप अपना पॉइंट को थ्रू करें। सो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट नाउ एंड आई लुक एट इट। अगर इंडस्ट्री में ना होते और सामने कमर उर रहमान साहब और मारवी सरमत आ रही होती, एज अ कॉमन मैन किसकी साइड लेते हैं? खलील साहब की साइड। आई डोंट लाइक हिम, सॉरी बासित, देखो बासित पहला पहली लूज बॉल, दैट्स नॉट ट्रू। खलील साहब एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह। आई गो एंड सी हिम एट हिज प्लेस शो में, वापस लाहौर। नहीं, शो में आई गो एंड सी हिम एट हिज प्लेस इन लाहौर। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, वो बहुत प्यार करने वाले इंसान है। मेरे और उनके बीच में डिफरेंसेस थे, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनफैक्ट अब आप एक हैं। We've sorted it and he's a great man and he loves me a lot and I love him back as well. He's a great guy. Moving on. So I think Khalil Rehman. उनकी साइड लेते हैं आप? ये बहुत खतरनाक साइड ले ली आप यार। नहीं, मोस्ट साइड, अगर आप इंटरनेट पोल्स उठा के देख लें, पूरा पाकिस्तान, पूरे सब, एवरीवनस ऑन हिज साइड। तो आप बिकॉज़ हाउ यू कंडक्ट समथिंग ना, आप कोई भी बात करें आपको बात करने की एक तमीज और तहजीब होनी चाहिए। उनको थी, देखें तो मैं देखता कौन है। आप मुझे इज्जत देंगे मैं आपको इज्जत दूंगा, आप मुझे मोहब्बत देंगे मैं आपको। फिरोज भाई कैसे हैं? फिरोज भाई गोतालू भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिरोज भाई अगला सवाल पूछ लूं आपसे। फिरोज भाई ये है कि पाकिस्तान में टॉप एक्टर बनने के लिए पहले विजय बनना पड़ता है, ये क्या साइंस है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? माहिरा खान बड़ी एक्टर, विजय से स्टार्ट किया, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कौन सी? आप, थैंक यू, और सनम जंग। अच्छा, और या अब हो गया, अब हो गया, इतनी एग्जांपल। लॉट, आई थिंक VJing गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू फेस द कैमरा एंड लुक इन द आई ऑफ कैमरा। अगर दोबारा चांस मिले करियर स्टार्ट करने का तो क्या करियर स्टार्ट करना चाहिए? यही करियर दोबारा स्टार्ट करेंगे या यू विल ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स? अगर दोबारा स्टार्ट करने को मिलेगा आई वुड स्टिल डाइव इनटू इट अगेन बिकॉज़ आई डोंट थिंक दैट आई कैन टेक एनी क्रेडिट्स फॉर वेयर आई एम टुडे और व्हाट आई हैव अचीव्ड। आई हैव बीन गिवन, आई हैव बीन टेकन, आई हैव बीन ब्रॉट, so I would give the decision again and so I would you just, have already given in yahi karne aaya hu paida isliye kiya gaya hai nahi whatever from here wherever abhi okay. exactly chahiye yeah. theek hai firoz bad boy ka ek image screen par aapka establish ho raha hai aise characters mile aapko ki yaar thoda bad boy mile to real life mein bilkul opposite hain ya thoda semi bad boy hain ya bilkul hi bad boy hain hamare hum sab ki dark sides hain
और होती हैं, होती है, इस बात को हमें सीरियसली डाइजेस्ट करना और एक्सेप्ट और एडमिट करना बहुत कैसे समझता है। सो गुड एंड बैड इज विद इन अस एंड या आई एम गुड एंड बैड बोथ। फिरोज बहुत मैं कहता हूँ समीना भाभी समीना भाजी को बुला लेते हैं शो में समीना पीरजादा को। क्यों वो वैसा इंटरव्यू हो रहा है आज आपको डबल कुर्सी दिए ना मुझे सिंगल में फंसा खुल के बैठे ना। फिरोज इंडस्ट्री में फड्डे हुए कभी? किससे हुआ सबसे अच्छा फड्डा और मतलब कौन है अच्छा फड्डेबाज? मुझे यहाँ पे डर्टी गेम करने नहीं आया कि लोगों के बारे में बातें करूं। नाम मत ले, उनके नाम लो, लेकिन हाँ फड्डे बहुत हुए, फड्डे बहुत हुए, फड्डे बहुत हुए, फड्डे इसलिए हुए क्योंकि जब मैंने आई थिंक आई वाज रियली शॉर्ट टेम्पर्ड और मोस्टली ऐसा होता था कि मैं किसी से बात कर रहा होता था तो वो अगर नहीं समझ आती थी तो वो फड्डे तक चली जाती थी, विच इज़ नॉट गुड। आई डोंट टेक प्राइड इन इट, आई एम नॉट बोस्टफुल अबाउट इट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपका एंगल जो होता है वो आपको जिंदगी का जो रियल फन है वो उससे कासिर रखता है। कासिर इज़ द राइट दूर रखता है, कासिर दूर रखता है। अच्छा बारह पीटी वाले की तू निकल बाहर तुझे देखता हूँ लड़के लड़ा लिए ऐसा कुछ किया जैसे बातें? नहीं मेरी अभी आंख ठीक हुई है, वो ब्लू हुई थी उसको बोलते हैं शाइनी आए, शाइनी आए। किसने, कौन है वो बॉक्सर? वो रिंग में हम लोग आजकल स्पारिंग कर रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बॉक्सिंग को एक करियर के तौर पर इंशाल्लाह ये सुनने में यार कुछ पता नहीं भाई आपका लूज टेम्पर भी है और खलील रहमान कमर से भी दोस्ती आर यू आर लाइक रियल लाइफ रोमियो है क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स या इस तरह के चक्कर चुक्र जो होते हैं हमारे लड़कों के लौंडे लपाड़ों के हम जैसे तो वो मशहूर होते हैं, आपके भी काफी दो तीन निकले तो आप रियल लाइफ रोमियो हैं या रियल लाइफ आप ना ऐसा है कि अब फिर ये ना कहिएगा नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल कभी लड़की देखी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना यार। यार देखो मैं झूठ बोलने से बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि बोलूं कि ना बोलूं, उसकी वजह ये है कि सच्चा रहना चाहिए, उससे इंसान में आजी आती है ताकि थोड़ा सा एडमिट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मैं आपको अपना शेख बना लूंगा आज से यार, प्लीज यार इस बारे में हम बिल्कुल मजाक नहीं करेंगे। तू शेख नहीं बना सकता, सेंसिटिव अबाउट इट। आपको नहीं बना सकता? नहीं, मैं इस चीज के बारे में मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। चलें ये, और मैं ये बोलना चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं कि यू नो कि ये भी शेख ने बोला वो भी शेख ने बोला, दिस इज नॉट अ जोक फॉर एनी वन एंड दिस इज माई पर्सनल थिंग। I think it was stupid of me to share it, something so personal with, you know, on such a platform. Because you don't direct somebody like that. I respect that person. ठीक है, सही है. This is sensitive. Okay, and personal to you. Yes, very personal. That's fine. But Tabish, you have to be easy. I love you. Thank you. Yeah. I don't want you to feel like, you know. मैं नहीं इंटिमेट है, मैं नहीं होता है। अच्छी बात है यार, हम भी तो करते हैं सबके साथ। Exactly, okay. Relax. Yeah, please. मुझे सुनाई नहीं दिया। तो क्या रहा यार? अभी तो बस बात कर दिया था। पहले पता कर लेते हो इसके बारे में, वो सेंसिटिव नहीं है आप। फीमेल फैन वाला पूछ सकते हैं आपसे। ये खिंचाई हो रही है। चलूंगा बाहर से, फूंक फूंक के कदम रखूंगा। फूंक सिगरेट फूंक फूंक। फीमेल फैंस हैं आपके? यार ये मजाक कर रहे थे वो वाला या अभी कर रहे हैं मजाक? अच्छा फैन, फैन फीमेल फैन है। आपको आपको क्या लगता है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? फीमेल फैन है। हाँ जी हो गए एंडोर्समेंट आपने। अब फीमेल फैन ने कभी कोई ऐसी हरकत की अनुला पे क्या कर रही हो भाई? वो क्या, अब वो भी वो तो बता सकते हो? बड़ी सारी हरकतें हुई हैं, आपको क्या बताऊं, कुछ ऐसी एक एक के साथ ऐसी बता दें जो बता सके, खुल सके यहां पे अपना मामला आ सके। अच्छा तो आई वॉज वीजिंग दिस वन टाइम, आई वॉज डूइंग अ शो, काफ़ी रात हो रही थी, हमारी वॉक थी, मैं वॉक करते हुए टॉयलेट तक रीच आउट कर रहा था, मेरे साथ मेरी टीम थी, बाथरूम बाथरूम तक मैं जब पहुंचा तो मैंने बोला क्या, हाँ मेरे साथ थी, मैंने बोला कि आप लोग जाओ, आई विल जस्ट कम बैक। वो खुद नहीं समझ रहे थे तुम्हें जाना है, बाबा आगे के सफर अकेले करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आई टोल्ड देम टू गो बैक ऑन द सेट। ठीक आगे का सफर, तो वो चले गए। अच्छा आई गॉट डन, आई केम आउटसाइड, आई वाज गोइंग बैक टू द सेट्स, तो मुझे पीछे से एक स्टेप्स की आवाज, टक टिक 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 टिक, एंड आई एम लाइक अच्छा ओके अमिताभ बच्चन। अच्छा जब मैं पीछे मुड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो लड़की है जो काफी अरसे से मैं जहाँ पे भी सेट पे जाता हूँ तो वहाँ पे बस एक साइड पे एक फेस अपेयर होता है और वो देख रहा मौजूद होती है। या सो आई स्टॉप्ड एंड आई वाज लाइक यस, एंड शी वाज लाइक आई वांट योर नंबर। ओह वाओ, नहीं पड़ा होगा। आई वाज लाइक आई डोंट हैव अ नंबर, आई वाज लाइक आई डोंट यूज माय फोन, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक अप अ स्टोरी। सही है। And she was grabbing by the collar, and
क्वाइट अ मोमेंट कि आई वाज लाइक यार मतलब व्हाट द हेल कि मतलब नंबर नहीं मोमेंट नहीं हो रहा अच्छा नंबर नंबर के लिए इतनी अग्रेसिव एक इंसान मतलब कि यार जस्ट गिव मी योर नंबर 15 दे देते उसे पुलिस मैंने दिया उसको नंबर क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी माहौल लेकिन नंबर मैंने दिया अपने फूफा को तो आप फूफा कैसी हैं सर मैं यही आपको बता रहा हूं ना उन्होंने मुझे एक दफा तो फोन किया तो वो कहते हैं कि इस मसले को हैंडल करो वरना को भी नहीं छोड़ रही man you know but it's a love yaar I mean I really respect all the love and everything yes. but obviously obsession becomes scary yes. as well yes theek hai ladkon ki baatein kar yeah ladkon wali baatein kar ladkon ki baatein off road driving ka shauk hai I love it hai na abhi aap co driver bhi the is jo rally hui hai I was jhalmak singh jo yes sultan bahadur aziz singh he's my he's the driver I'm navigating yes yes to ye kahan se shock paida ho gaya off roading ka karachi mein driving karke I was always into rush and speed and talk and everything so wo exuberance hai aapke andar yeah but obviously spending more time with Lisa to wo unka bahut shock hai yeah he runs in AA prepared he's a champion oh great yeah and he is what a driver What a driver! Like you're going 170, you're flying on a desert. Yeah, you're flying on a desert. जब मुझे पीछे बैठा के डाले पे मैं बैठा हूँ। बल्कि मुझे डाले पे बैठने तो बंदूक लेके बैठना पड़ेगा। और डाले का एक कैरेक्टर होता है ना? We'll go. अच्छा डाले पे जो लड़के लोग बैठते हैं गार्ड वो हमेशा वो बोर्ड होते हैं बोर्ड एस यू बैठा रहता है उसकी कोई लाइफ ही नहीं बैठा हुआ अच्छा कुछ लोग तो ड्राइवर का नाम भी नहीं लेते उसको ड्राइवर ही कहते डी जी जी Where's my G? Where's my G? G G कौन है? क्या यार? मतलब what? यार मैं रहता हूँ connected. मगर Telenor 4G और 2 honest भी होने वाले हैं आप connect. क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा entertainment. इसलिए. अच्छा जब मेरी पहली बेगम ने पहली बार कहा पहली बेगम क्या? इकलौती बेगम ने पहली बार कहा Where's the M? तो मैं समझा नहीं. M? कौन सी बेगम? मासी मासी. पहली. मैं पहली नहीं. Only बेगम ने. अबे पहली नहीं अच्छा आप मैं फॉरेन इंटरव्यू में पीछे आया है कौन सी बेगम ओरिजिनल जो है ओरिजिनल जापान वाली तो उन्होंने मुझसे कहा वेज दी एम कौन एम यानी मासी इतनी बर्गर मैंने कहा भाई डी होता है एम कुछ नहीं तो अपने से बना रही हो ये तो अच्छा मुझे वैसे ये मुझे इस तरह की जोक्स पता नहीं क्या समझ नहीं आते थोड़े दिन पहले मैं घर से बाहर निकला और मैं नाम नहीं लूंगा वो मेरे एक पड़ोसी हैं बहुत अच्छे हैं मैं कोई ऐसी बात मैं उनका नाम नहीं लेता मैं लेकिन ऐसे एक ह्यूमर प्रमोशन कैसे हैं मैंने कैसे हैं आप कहते हैं बेगम जिंदा है और वो इतने सीरियस थे और मुझे 2 सेकंड बाद लगी और जोर से कमाल यार अच्छा यू नो हाउ क्वेश्चन लिखा इसलिए पूछ रहा हूँ You know how to be in the news. एक rumor फैली कि यार आपकी separation हो गई है। किसने फैलाई है? यार ये जो मेरा ये जो एक बात है ना ये But you are always in the news. देखो जो अगर कोई इंसान legacy के को plan कर रहा होता है कोई 5 साल का करियर सोच रहा होता है कोई 50 साल का सोच सकता है आप अल्लाह से क्या मांग रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बट ये सस्ती शोहरत तो कोई नहीं करेगा ना कि यार मेरा बच्चा कल बड़ा हो देखे यार अच्छा जी अबू अब्बा आपने ये न्यूज़ चलवाई थी और मैं बोलूं जी बेटा अच्छा बच्चे को बच्चा नहीं पूछे शायद बच्चे से दोस्त पूछेंगे अबे अच्छा? अब्बू की तो न्यूज़ देख फिट माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फिट तो कोई इरादा बनाया हुआ यार आगे चल के ना जरा ये वाली चीज सेट कराऊंगा एक दफा करा लिया था यार और मैं परेशान हो गया क्या कराया था मैंने क्या करूं क्या सेटिंग कराई यार हुआ ये कि मुझे बताया मेरे प्रोड्यूसर ने कहता है कि यार आपको ना पूल में जंप करनी है मैंने बोला बॉडी बॉडी बनाना कहता है यार कि आप हम लोग अंडर वाटर शूट करेंगे मैंने बोला ठीक है मैंने बोला व्हाट एम आई वेयरिंग कहता है आप बता लो नहीं नहीं कहता है आप बताओ क्या पहनना चाहते हो मैंने बोला यार आई कैन वेयर ट्रंक्स शॉर्ट्स पहन लूंगा बताओ क्या पहनना है कोई आप बोलो तो दो तो करना क्या दो आप मेरे को हाँ सस्ता लगा देंगे कहते हैं मैंने बोला करना क्या है तो उन्होंने बोला फिर आखिर में वो खैर वो डिसाइड हुआ कि उन्होंने मुझे पूरे वाइट कलर के कपड़े शलवार के स्विमिंग के लिए इस तरह की शर्ट और एक वाइट इसके साथ ट्राउजर्स मुझे उन्होंने भाई पानी वो क्या ये रिश्ता तो अक्सर हैरोइन यार सुनो तो ना प्लीज हुआ क्या इतनी देर सुन रहा हूं 1 घंटा हो गया मुझे उसके बाद
जब वो हो गया अब मैंने सोचा कि इसके लिए तो यार मेरा बिल्कुल क्या कहते हैं जिस्म ठीक नहीं है, ठीक होना चाहिए। अच्छा जी, वर्कआउट किया, वर्कआउट करके जब वर्कआउट हो गया बॉडी बन गई, फेस को मैंने देखा बिल्कुल ड्रॉप हो गया, ऐसे अंदर चला गया, कल्ले मिल गए आपस में। आई वाज लाइक अब मैं क्या करूं, कॉल्ड अप अ डॉक्टर, उनके पास गया, बहुत अच्छे है वो भी, बड़े उनकी ऑनेस्टी को वाह वाह। और वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर खिलजी, इज लाइक मैं तो नहीं कर रहा, मैंने बोला प्लीज आप मेरे लिए कर दे, मेरा कल्ले खोल दो। कहते हैं मैं नहीं कर सकता, कहते हैं आपको ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात समझे, मैंने बोला आप प्लीज़ कर दें, उन्होंने बोला ओके। तो यहाँ पर मैंने फिलर्स लगवाए, जब मैंने वो फिलर्स लगवाए ना और मैंने अपने आप को देखा, आई वाज लाइक अब मैं इसको डिसॉल्व कैसे करूँ, खिलजी के बाद बिकॉज मैं अपनी पिक्चर लूँ तो वो यहाँ पे ऐसे करके ना उठा, आई एम लाइक डैम दिस इज नॉट मी, आई नीड टू गेट ऑफ दिस। अरे फिलर कल्ले भूल गए तो स्विमिंग में आसानी हो गई, बचपन में सोचते थे स्टार बनूंगा, मैंने मुझे स्टार बनना। मैं यार बचपन में बहुत मोटा था, नेग्लेक्टेड था, तो मैं जब वैसी फिल्म्स देखता था तो मुझे हीरोज बड़े अच्छे लगते थे, ठीक है। तो मुझे आज तक याद है वो कल होना हो में जो नहीं ऋतिक रोशन ऐसे करके उसका भाई, उसका भाई जो ये मोटा था यार, ये इसको मतलब जिंदगी में क्या बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं थी उससे, है ना, वो लड़का क्लोजर नहीं मिला। लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया वो लड़का, चलो ठीक है पतला तो हो सकता है, अंगूठे चार पांच के कैसे, ये कैसे हो रहा है तो ये भी हो गया और ये भी हो गया कि फिर यार कभी शरारती शरारती थे ये नहीं थे, हमेशा से ऐसी अच्छी करते, तो कोई क्रेजी चीज की बहुत क्रेजी एक चीज हो जाए कोई ऐसा दिलचस्प मसाला, मैं मुझे क्या पता क्या क्रेजी, पूछो ना बताता हूँ। अच्छा स्कूल में कोई, मैं क्या पूछूं, मुझे क्या पता कितना क्रेजी सोच के आए हैं आप, बहुत क्रेजी किया, तो वो वाला बताएं सबसे ब्रॉड क्या बताऊं, मुझे उस दिन किया था यार, मुझे बताओ ना किधर जाना चाहते हो, किधर लेके जाऊं, मैं सीधा रास्ते पे जा रहा हूं, मेरे को आप ये जौहर पे उतार देना, जौहर पे उतार देना, मैं नीपा से चला जाऊंगा खुद सतपुरा की बस ले, लेकिन नहीं, लेकिन हां ताबिश मतलब मैं भी इधर ही बड़ा हुआ और सब सब। अच्छा ब्रिज के उस पार या ब्रिज के इस पार, ब्रिज के उस पार जौहर में ना, गुलशन एक बार, गुलशन बाल जौहर, हम ब्लॉक ब्लॉक थ्री में, जौहर नहीं, जौहर जौहर है, गुलशन गुलशन, ये मसला है ना, बिल्कुल है, है या नहीं है, जी, हाँ, है या नहीं है, 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 भाई, है यार, है, हाँ, हाँ, लेकिन ऐसा है कि तब भी ऐसा है कि गुलशन और जौहर में काफी भाईचारा है, भाईचारा है, दोस्ती हो गई है, अब हम लोग मिल बांट के रहते हैं, हम लोग कलेक्टिव दुश्मन है डीएचए, ये सब है जौहर वाले, माने का कोई नहीं, क्यों नहीं मानेगा, मानो नहीं, कूल लोग हैं, नहीं भी है, क्या क्या पता नहीं, फ्यूचर में फ्यूचर बैठा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं कौन कौन बैठा, हमारा इंटरव्यू कर रहा है, थोड़े दिन बाद हम बैठे हुए जी, चांस मिल जाएगा और क्या, फिर उस फिट कैसे रहते, करीब आते जा रहे हैं, थोड़ी देर में साथ ही बैठे, फिट कैसे रहते, ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग करके, कभी आए ना मुझे भी लगा आप करीब आप ही रहे, खुशबू भी लगा रहे हो, ट्रेनिंग भी करते, माहौल बनता जा रहा है, अब आए, अब शो शुरू हुआ है भाई, छह नंबर बासित, आप करीब आ गए, तीसरे साल पूछूंगा मैं, अब मैं आ रहा हूँ अपने माहौल में, सुबह उठे आप, अचानक से देखा कि आप लड़की बन चुके, माहौल क्रिएट करता हूँ, सो रहे हैं आप, सुबह उठे आप लड़की हैं, ऑपरेस्ड हैं, मजलूम हैं, और आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, क्या करेंगे, रिलैक्स, मैं उठ के दिखाऊंगा, मैं उठ के दिखाता हूँ ना, हाँ प्लीज फ्लोर, अच्छा नहीं उठ रहे हो, मैं उठ नहीं रहा, सॉरी मैं सो रहा हूँ, आप सोते हुए लड़के दिखा नहीं सकते, नहीं नहीं सोते हुए क्यों नहीं दिखा सकते, आप दिखा सकते, आप दिखा सकते, मैंने एक्ट करना ना, हाँ सर, सो गया, उठा, आप लड़की हैं, लड़की हूँ, ऑप्रेस पता क्या, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, हाँ भाई मैं रिलैक्स करूँगा, तुमको सुन ही नहीं रहा, फायदा क्या कुछ कहना, नहीं नहीं, फिर वो इतनी देर से उठ गए हैं, ब्रश नहीं किया अभी तक, ब्रश कर लो फिर सबर से कर दे, बस इस पर एक चीज ही जुमला बोलूंगा, फिरोज और मैं एक साथ सो रहे तो सिंगल बेड, अच्छा ऐसा है कि ऐसा कि कभी किसी को देख रहे हो आप यूं करके, ऐसा होता है ना कभी कोई अच्छा चेहरा सामने से गुजर गया तो आप यूं चले गए, पहली नजर तो दार सकते हैं डाल दी, तो अपना ऐसा हुआ कभी कि किसी ने पकड़ लिया हो, देख क्या देख रहे हो, ये किस किस्म के, मैंने बोला ये किस किस्म का सवाल है, जिस किस्म का जवाब दिया उस किस्म का सवाल पूछा मैंने, नहीं मैंने पूछा, मैंने बोला ये किस किस्म का सवाल है, मुझे पूछा ये क्या देख रहे हो, मैंने बोला ये किस किस्म का सवाल है, ये किस किस्म का सवाल है, ये देख रहा हूं तुम्हें नहीं पता क्या हो गया यार, आंख को क्या मतलब आंख चली गई, आंख का कौन संभाल सका इसको आज तक, अच्छा ऐसा कोई सोशल मीडिया पे गलती से पोस्ट कर दी और फिर रिग्रेट, अबे यार ये क्या कर दिया मैं, उस पर जब तक 15-20 हजार लाइक आ गए, ये सही है, ऐसी क्या लास्ट क्या चीज थी, हो जाता है
गलती से पोस्ट हो गया और वो अब नया वो है कि वो जब तक वो पूरा पोस्ट ना हो तब तक आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, देखते रहो। अरे यार बहुत स्केरी है। अच्छा कभी भी ना रात के 1:30-2 बजे कोई पोस्ट नहीं मारना भाई, प्लेन मोड पे यूज करो, प्लेन मोड। केमिकल खराब हो चुके होते हैं, प्लेन मोड कुछ भी नहीं। आप वो हो रहे होते हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे होते हैं, सब कुछ मिक्स हो रहा होता है हैं, और हैंगओवर भी हो रहा है। नहीं कोट मेरा हैंगओवर उधर देर ओवर देर होता है, वहां शराब बुराब चलती होता है भाई। कभी आप अभी उतरा हूं तो मुझ पे हैंगओवर हो रहा है ना, मुझे शोहरत का। अच्छा अच्छा किसी को डिच किया कभी? ठीक है किया, ओके। आप कभी डंप हुए? ठीक है हुए डंप हुए, हर कोई होता है यार। हम लोग क्या शुरू से थोड़ी खूबसूरत होते हैं लड़के, तो किस खूबसूरती की बात नहीं है, बस हुए हैं। कब हुए? इंटर में या कॉलेज के जमाने में या उससे पहले? और उससे पहले और उससे पहले स्कूल में काफी। और रिसेंटली तो कभी नहीं हुए ना, 4-5-10 साल पहले टीवी में आने के बाद डंप नहीं हुए? सही है, ठीक है हुए बताएंगे नहीं। तो मैं अज्यूम करना चाह रहा हूँ सवाल। नहीं, आप अज्यूम कुछ भी कर सकते हैं ना। ये तो आप चुप करें। फिरोज करियर में आगे जाने के लिए कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक यार, अब प्लान्स जो है वो बहुत ही कोई गंदे बड़े कोई सॉलिड प्लान्स हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं, पत्थर उठा के जाएंगे। नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता। आई वांट टू डू देम नाउ। मार्स पे मूवी बनाएंगे यार, मैं कुछ मतलब कुछ ऐसे प्लान्स हैं, लेकिन हिंट्स प्लान्स हैं। सुपर टेरेस्ट्रियल क्या होगा, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों की मूवी है, क्या होगा? कुछ तो हिंट्स देनी पड़ेंगी भाई फिरोज। काम से मतलब? हाँ, कि मतलब आगे जाने। अच्छा, काम के सिलसिले में तो आई एम रीडिंग दिस वन स्क्रिप्ट, माय वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स दैट आई एम अबाउट टू डू। फिल्म और ड्रामे के बारे में फिर एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। ये आपने सवाल पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होना चाहिए कॉन्टेंट, वो बेशक यूट्यूब हो, ठीक है, बना के कोई डाल दे। जिस तरह आपका शो ट्रेंड कर रहा है तो वो कोई मैटर नहीं करता, बट हाँ ड्रामा है, टीवी का और काम नहीं, कॉन्टेंट मैटर करता है, अच्छा होना चाहिए। टीवी का है एंड इट्स सुपर्ब, इट्स माई, इट्स गोना बी इंशाल्लाह क्रेजी। फिरोज आप टीबीएच में आए, TBS में आज एक डिफरेंट हॉल बना से भी अच्छा आने वाला, और ये आज मेरे ख्याल से एक एपिसोड ऐसी जाएगी जिससे पता चलेगा कि यार यहाँ पे सिर्फ वही नहीं होता जो होता चला आया है। अच्छा, ये हर गेस्ट के साथ TBS मोल्ड होता रहता है, यानी हर इंसान की एक वाइब होती है यार, आता है फ्लोर के ऊपर अपना अपना सारा। We were vibing, we were having a discussion, we had a great time shooting, मजा आया फिरोज के साथ। फिरोज बहुत गुस्से में भी आए और कुछ भी हुए, और फिरोज मैं गुस्से में नहीं आया। तो फिरोज कोई आखिरी जुमले, मैं जा रहा हूँ ख्याल रखना, ऐसा कुछ कह। Take only as much as you want. The rest is just the bird. Wow. Ladies and gentlemen, Firoz Khan. So guys, ये था पूरा का पूरा episode जो हमने देखा Firoz Khan का TBH का, और ताबिश के साथ। And मुझे कुछ कुछ ये feel हुआ कि थोड़ा सा झिझक के साथ सवाल पूछे जा रहे थे। I don't know कुछ के साथ ऐसा होता होगा शायद कि वो allow नहीं करते होंगे कुछ एक्टर्स या कुछ लोग जो आते हैं शो पर, वो allow नहीं करते हैं इस टाइप के, मतलब कि इतना डीप चले जाओ उनके साथ, हंसी मजाक को ज़्यादा खुलकर बात करो उनके साथ, तो वो बुरा मान जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है आई थिंक, लेकिन ओवरऑल सही था, एंटरटेनिंग था, कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई, कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जो एंटरटेनमेंट से जुड़े थे और उनके फ्यूचर करियर से भी जुड़े थे, और जो र्यूमर्स थे जैसे कि वो बदनाम हो रहे थे कि उनके सेपरेशन की खबरें आ रही हैं और वो एक्टिंग छोड़कर बॉक्सिंग करियर में जा रहे हैं, और सारे रूमर्स थे तो वो भी इसमें पूछे गए। और मस्ती से भरा एंटरटेनिंग था एपिसोड, लेकिन बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं था ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।